हाल ही में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने ज्यादा क्रिकेट की वजह से आराम न मिलने की शिकायत की थी, जिसके बाद ये मुद्दा सुर्खियों में है। विराट कोहली की शिकायत को बीसीसीआई ने गंभीरता से लेते हुए इस संबंध में विचार करने की बात कही है। अगर टीम इंडिया के मैचों पर नजर डालें तो भारतीय टीम आईपीएल की शुरुआत से लगातार क्रिकेट खेल रही है। आईपीएल के बाद पहले चैंपियंस ट्रॉफी, फिर वेस्टइंडीज दौरा, इसके बाद श्रीलंका दौरा, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यूजीलैंड और अब श्रीलंका के साथ घरेलू सीरीज, और दिसंबर के अंत में टीम दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो जाएगी। लगातार क्रिकेट की वजह से लगभग सभी खिलाड़ी थकान की बात कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिर इतनी क्रिकेट खेली क्यों जा रही है, तो इसके पीछे की सीधी सी वजह है बीसीसीआई की कमाई। इंडियन टीम जितना मैच खेलेगी, ब्रॉडकास्टिंग और एडवर्टाइजमेंट से बीसीसीआई की कमाई उतनी ज्यादा होती है, और साथ में खिलाड़ियों की भी। खिलाड़ियों की कमाई की बात करें तो इसी साल की शुरुआत में बोर्ड की कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ने टीम के 32 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ियों की रिटेनरशिप फीस बढ़ाकर दोगुनी कर दी है। इस वक्त ग्रेड ए के खिलाड़ियों को हर साल 2 करोड़, ग्रेड बी के खिलाड़ियों को 1 करोड़ और ग्रेड सी खिलाड़ी को 50 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। वहीं एक टेस्ट मैच खेलने के लिए हर खिलाड़ी को 15 लाख, वनडे मैच खेलने के लिए 6 लाख और T20 खेलने के लिए 3 लाख रुपए की फी दी जा रही है। भारी भरकम फी की वजह से कोई भी खिलाड़ी किसी भी मैच को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहता। इसके अलावा एक और समस्या टीम इंडिया की मजबूत बेंच स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि हर खिलाड़ी इस बात से डरता है कि अगर वो कुछ मैच नहीं खेलेगा तो कोई और खिलाड़ी उसकी जगह ले लेगा, इसीलिए कोई भी खिलाड़ी टीम से बाहर आराम करने के बारे में सोचता ही नहीं। अब देखना होगा बीसीसीआई ज्यादा क्रिकेट का क्या हल निकालता है, क्योंकि इतनी ज्यादा क्रिकेट होगी तो अभी भले ही इससे जमकर कमाई हो रही हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये क्रिकेट के लिए नुकसानदायक होगा। NMF न्यूज की रिपोर्ट।